subscribe to this channel to get more auto vlogs like this. And now you can follow us on Instagram and Facebook for regular auto updates and much more. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑटो कीक मानस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेनॉल्ट की ऑल न्यू काइगो, जो कि बहुत डिमांड में है बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन, इट्स परफॉर्मेंस एंड इट्स फीचर्स जो इस सेगमेंट में ऑफर किए गए हैं। तो ये कार आपको फर्स्ट टाइम में ही अट्रैक्ट करने वाली है। बहुत इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है और ये आपको काफ़ी हद तक निसान मैग्नाइट की तरह लगने वाली है, उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है। तो फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ DRLs देखने को मिलेंगे, LED DRLs, और यहाँ पे नीचे LED हेडलाइट्स हैं। तो ये जो फर्स्ट ये दो वाली हैं लो बीम के लिए और ये हाई बीम के लिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे अगर बम्पर की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही बोल्ड बम्पर और यहाँ पे रेनॉल्ट का लोगो आपको बहुत ही बोल्ड मिलेगा। आप फ्रंट से बहुत ही मस्कुलर और बहुत ही बोल्ड डिज़ाइन है। और साइड से बात करें तो साइड में आपको मैं पहले दिखा दूँ, यहाँ पे 16 इंचेस के आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको क्लैडिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको इसका वेरिएंट का नाम बैजिंग देखने को मिलेगी। और डोर हैंडल्स की बात करें तो बॉडी कलर दिए गए हैं और यहाँ साइड ORVM ब्लैक पियानो फिनिश में दिए गए हैं। यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट है और इंडिकेटर्स भी हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो डुअल टोन आपको ऑफर होते हैं इसमें आपकी रूफ़ ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगी। इसके लिए आपको रेगुलर प्राइस से 20,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो आप ये डुअल टोन कलर ऑप्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश गार्निश ऑल अलोंग दी ग्लास मिलेंगी, साइड ग्लास। और यहाँ पीछे भी आपको ये ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, काफ़ी स्पॉटी बनाती है कार को। और पीछे से कुछ ऐसे दिखती है रेनॉल्ट काइगर। यहाँ पे आपको रियर सी शेप्ड यहाँ पे LED टेल लैम्प देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी बोल्ड लुकिंग है, तो अच्छा है। यहाँ पे आपको रेनॉल्ट की बैजिंग, यहाँ पे काइगर और रेनॉल्ट का लोगो फिर से पीछे मिलेगा। और यहाँ पे आपको रियर वाइपर मिलेगा, रियर डिफॉगर का ऑप्शन है और रियर माउंटेड ब्रेक लाइट्स हैं ऊपर यहाँ पे। और यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया गया है, तो काफ़ी स्पोर्टी लुक है पीछे से काइगर की। और यहाँ पे आपको रियर व्यू कैमरा भी ऑफर किया गया है इसमें। और यहाँ पे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स और ये सिल्वर क्लैडिंग पीछे दी गई है, ठीक है। तो ये था कुछ पीछे का रिव्यू। और साइड्स में यहाँ पे आपको फ्यूल लिड देखने को मिलेगी जो अंदर से ओपन होती है। और यहाँ पे आपको रूफ रेल सिल्वर फिनिश में ऑफर किए गए हैं। और इस स्पॉइलर आपको निसान मैग्नाइट की याद दिलाने वाला है। यहाँ भी कुछ ऐसा आपको बहुत ही स्पोर्टी डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो अब बारी है कार के इंटीरियर्स दिखाने का। तो ये है कुछ काइगर की रिमोट की, जिसमें अनलॉक लॉक बटन बूट ओपनर और ये आपको बटन मिलेंगे। तो कार टाइम है कार को अनलॉक करने का, दिखाने का कि अंदर क्या क्या ऑफर किया गया है। तो जैसे ही आप काइगर का डोर ओपन करेंगे तो आपको ये ऑल ब्लैक थीम्ड डोर वेलकम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ये डोर अनलॉक लॉक की नॉब दी गई है और ये पियानो फिनिश में डोर अनलॉक का लीवर दिया गया है। और यहाँ पे बाकी साइड ORVMs के कंट्रोल दिए गए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल कंट्रोल है सारे ORVM के। यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ कंट्रोल दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। यहाँ पे कुछ एक टेक्सचर दिया गया है जो काफ़ी अच्छा, और यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है। यहाँ पे स्पीकर आपको मिलेगा और यहाँ डोर पॉकेट मिलेगी। और अगर बात करें सीट्स की, तो यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्टिंग सीट्स मिलेंगी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं दिखने में, बाकी मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ। तो अब बाहर ये कार के अंदर बैठने की, तो अंदर बैठ के आपको ये डैशबोर्ड काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग देखने को मिलेगा। बात करें स्टीयरिंग की, तो यहाँ पे आपको पार्शियल लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और बीच में रेनॉल्ट का लोगो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको पियानो फिनिश के टच ट्रीटमेंट मिलेंगे, आपको लेफ्ट साइड में ये ऑडियो कंट्रोल फ़ोन कंट्रोल्स सब देखने को मिलेंगे और यहाँ पे राइट साइड में ये MID के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। तो और यहाँ पे आपको ये हेडलाइट कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे सारे वाइपर के कंट्रोल्स।
और हमें राइट साइड में आपको एसी वेंट्स मिलेंगे इस विद सिल्वर सराउंड। और मैं आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको फुल टीएफटी डिस्प्ले डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया। इसमें लेफ्ट साइड में आपको टेम्परेचर और या राइट साइड में फ्यूल मीटर दिया गया, ये भी डिजिटल है। और यहाँ पे बीच में आपको ये टीएफटी डिस्प्ले दी गई है जो कार की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है विद गियर इंडिकेटर्स और ये रेंज कितनी है कार की, और यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे कि रेंज, एवरेज और सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आजकल ट्रेंड में। और यहाँ पे आपको मिलेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, तो ये टच स्क्रीन है पूरा। और यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिलेंगे। और बात करें यहाँ नीचे, तो यहाँ पे आपको रियर और फ्रंट डिफॉगर के बटन, ये वार्निंग लाइट और डोर अनलॉक लॉक का कैबिन कॉकपिट स्टाइल बटन देखने को मिलेगा। और ये एसी कंट्रोल्स फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, और ये आपको पूरी याद दिलाएगा निसान मैग्नाइट की, जिसमें डायल के बीच में ही आपको डिस्प्ले दिया गया है। आप देख सकते हैं ऐसे आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कॉकपिट स्टाइल बटन्स दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर, मोबाइल वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। और यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है आपको, और ये आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगी। तो जैसे आप रिवर्स में डालेंगे तो यहाँ पे आपको रियर व्यू पूरा देखने को मिलेगा। और ये एम्बिएंट लाइट का स्विच है। यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस नॉब को जैसे आप रोटेट करेंगे तो आप डिफरेंट मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपकी थीम बदल जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको नॉर्मल, इको और स्पोर्ट मोड दिया गया है, तो काफ़ी अमेजिंग है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलती है ऐसे। और जैसे आप आर्मरेस्ट को खोलेंगे तो यहाँ स्टोरेज, मतलब बेसिकली कंबाइंड स्टोरेज है, हालांकि ये आर्मरेस्ट स्लाइडिंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऊपर मैनुअल एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर मिलता है। और यहाँ पे आपको कैबिन लाइट्स मिलती है जो कि हैलोजन है। और ये सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर दिया गया है, वैनिटी लाइट नहीं। और ड्राइवर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है जो कि मोस्टली कार में नहीं होता। बात करें ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ पे बहुत ही डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो साइज़ काफ़ी सफिशिएंट है एक्चुअली सही में। तो ये तो बात थी फ्रंट की, अब मैं आपको रियर में दिखाता हूँ क्या क्या ऑफर किया गया। तो चलिए पीछे चलने का टाइम है। पीछे का डोर भी आपको कुछ वैसे ब्लैक थीम में ऑफर किया गया है। पावर विंडो कंट्रोल या सिल्वर फिनिश विद टेक्सचर, यहाँ पे स्पीकर डोर पॉकेट्स देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बीच में एक आर्मरेस्ट भी दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर बैठ के। तो जैसे आप अंदर बैठेंगे, स्पेस काफ़ी सही है, लेगरूम काफ़ी अच्छा है इसमें। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा, देख सकते हैं जैसा कि आप। और मैं आपको आर्मरेस्ट दिखा दूँ, इसकी आर्मरेस्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही वाइड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे आपको मोबाइल और कुछ छोटी मोटी चीज़ रखने की जगह दी गई है। तो आर्मरेस्ट काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे आपको रियर कैबिन लाइट भी है जो कि हैलोजन है। तो हेडरूम भी काफ़ी सही है इस कार में, कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है कार। और दो बंदे तो आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, बट तीसरा छोटा अडल्ट जो ना हो बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको हम्प कोई नहीं है, पूरा फ्लैट है। तो दो अडल्ट और एक बच्चा या चिल मतलब बैठ सकता है। तो अब मैं आपको उसके बूट के बारे में बताता हूँ, बूट स्पेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको जैसे बूट खोलेंगे तो यहाँ पे आपको 405 लीटर्स की बूट स्पेस ऑफर की गई है। और इसके नीचे आपको एक जो कि स्पेयर टायर और टूल किट ऐसा आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो बूट स्पेस भी सही, और ये फोल्डेबल रियर सीट्स है जो कि ये आप फोल्ड करके तो बूट स्पेस बढ़ जाएगी। तो ये था कुछ रेनॉल्ट काइगर के बारे में, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कार है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, कार पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आने वाले व्लॉग में मिलते हैं, तो कार को करते हैं लॉक, इस व्लॉग को करते हैं एंड। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर।